आराम नमस्कार दोस्तों, हिंदू इसमें आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने का मामला लगातार गरमाया जा रहा है। बकरीद के दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में, यानी कि जो उसका आंगन है, जो उसकी जगह है या मंदिर से जुड़ी हुई जो जगह है, उसके अंदर नमाज पढ़ी है और कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे उत्तराखंड पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। कई सारे संगठनों ने प्रदर्शन करने की और धरना देने की एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस पर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। वैसे भी चुनाव नजदीक है तो ऐसे में ये मुद्दे ज्यादातर गरमाए जाएंगे, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ मामला था तो पुलिस भी सकते में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है। पुलिस ने जांच की तो पहली नज़र में पाया गया कि जो मंदिर में नमाज पढ़ी गई है उस बात में तो इतना दम नहीं है। हाँ, मंदिर से जुड़े दूसरी जगह पर जो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है वहाँ पर नमाज पढ़ी गई है। अब कौन थे ये लोग और किन्होंने नमाज पढ़ी है वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। ये खबर आप लोग ध्यान से देखिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो मामला यह है कि तकरीबन 15 मुस्लिम मजदूर हैं जो वहीं के एक ठेकेदार जिसका नाम हरिंदर सिंह है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंदर काम करते हैं और ये सभी मजदूर मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक पार्किंग फैसिलिटी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें काम कर रहे थे। ईद का दिन था, ये लोग अपने घर वापस नहीं लौटे थे तो जहां पर रह रहे थे वहीं पर इन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि ईद का दिन था, नमाज अदा की, बाकी लोग जिस तरह से अपने त्योहार के दिन पूजा अर्चना का काम करते वैसे ही ये लोग जहां पर रह रहे थे उसी तरह से इन्होंने अपनी नमाज अदा की। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को कुछ नहीं पहुंचाते हुए, लेकिन कुछ लोगों को पता था कि यहां पर ये मजदूर मुस्लिम है तो उन लोगों ने वीडियो बना लिया और उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया बद्रीनाथ मंदिर के नाम पर, क्योंकि बड़ा मंदिर है तो जाहिर सी बात है हड़कंप मचना था, तो वो हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने अपनी जांच में यह बताया कि ना कोई मौलाना बाहर से आया, ना कोई मुसलमान बाहर से आए, ये वो मजदूर थे जो हरिंदर सिंह नाम के एक ठेकेदार के अंदर काम कर रहे थे। बाहर के मजदूर हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, जाहिर सी बात है वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, जहां पर जो जगह मिली हुई है वहीं पर अपने भगवान को याद करें, अपने खुदा को याद करें, अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। जिस तरह से भी लोग अपने रब को याद करते हैं उसी तरह इन लोगों ने भी अपने त्योहार के दिन अपने रब को याद किया, नमाज अदा की, सुबह 7 बजे नमाज अदा की। लेकिन किसी ने, जो नफरत के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने इनकी वीडियो बना ली और कह दिया उस वीडियो के टाइटल पर कि ये बद्रीनाथ मंदिर में नमाज पढ़ी गई है। उसके बाद क्या था, कहीं संगठन जिनको मौका चाहिए राजनीति चमकाने का वो आ गए कूद कर और कहने लगे बद्रीनाथ मंदिर में ऐसा कैसे हो गया। फिर भी ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा कि तकरीबन 15 लोगों पर FIR दर्ज हुई है और ये जो FIR दर्ज की गई है ये किसके कहने पर की गई है, जरा ध्यान से सुनिए। ये वहाँ के जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ऋषि प्रकाश सती और उनके सहयोगी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाए। पहली नजर में पता चल रहा था कि मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी नहीं गई है, जब बल्कि कहीं और दूर जहां पर पार्किंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने अपने हिसाब से नमाज अदा की है अपने त्यौहार के दिन। तो क्या त्यौहार के दिन लोग अपने हिसाब से खुदा को याद भी नहीं कर सकते? तो ये कई सारे सवाल है। पुलिस कह रही है कि बिना बात की अफवाह ना फैलाएं, हम भी ये अपील करेंगे कि भाई बिना बात की अफवाह ना फैलाएं। ईद का दिन था, जाहिर सी बात है लोग अपने घर से दूर थे तो अपने खुदा को अपने तरीके से याद कर लिया, मंदिर में किसी तरह की कोई नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने केस दर्ज किया है तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।